अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा प्रशासन की रोक और तीखी झड़प के बावजूद आमंत्रण यात्रा निकाली गई। महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा 6 दिसंबर को कृष्ण भूमि मथुरा में जलाभिषेक किया जाएगा। इसके लिए शहर की पवित्र नदियों से जल लेकर हिंदूवादी नेता मथुरा पहुंचेंगे और श्री कृष्ण जन्म स्थान का जलाभिषेक करेंगे। देखिएगा जिस तरह से कलंक की निशानी ईद का जो हमारे श्री कृष्ण जो पावन भूमि पे खड़ी हुई है उसको मुक्ति के लिए आंदोलन शुरू किया, जिसकी आमंत्रण यात्रा के रूप में अखिल भारत हिंदू महासभा और अन्य हिंदूवादी संगठनों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 6 दिसंबर को वहाँ कार्यक्रम है, जिसके लिए सभी हिंदूवादियों और धर्म प्रेमियों का आह्वान किया गया कि 6 दिसंबर चले और इसी पाप की निशानी ईद का को तोड़ के हमारे कान्हा की जन्मभूमि को पुनः स्थापित करने का कार्य करें, क्योंकि अभी एक बिल्कुल भी कलंक की निशानी भारत में कहीं भी नहीं रहेगी। देखिए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय आह्वान पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो विवादित स्थल है वहां पर मूर्ति स्थापित करके जलाभिषेक का कार्यक्रम राजश्री चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा रखा गया है, जहाँ समस्त देश से पूरे भारतवर्ष से पवित्र नदियों का जल लाकर लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करेंगे। उसी कड़ी में यहाँ ब्रज की नगरी से हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर मथुरा 6 दिसंबर के लिए आएंगे। आज हम लोग आमंत्रण यात्रा के स्वरूप में सभी आगरा के शहरवासियों को ब्रजवासियों को पंपलेट देकर इन्विटेशन दे रहे हैं कि वहाँ पर पहुँचकर जो लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करें और जो पवित्र जो पाप की निशानी मस्जिद है उसको जिस तरीके से अयोध्या में संपूर्ण रूप से नष्ट करके वहाँ पर मंदिर बनाया गया है, इसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी उनकी जगह का पूर्ण रूप से अधिकार मिले, उसके बाद काशी विश्वनाथ का भी नंबर हम लोग लाएंगे।